यूपी के रायबरेली में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इसका कनेक्शन सीधे आतंकियों से जुड़ा हुआ सामने आया। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस गांव में जालसाजों ने आबादी से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बना दिए हैं। जानकारी के अनुसार यहां की आबादी 7500 है, मगर प्रमाण पत्र 10000 से ज्यादा बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर प्रमाण पत्र हासिल करने वालों का इन गांव से कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसका कनेक्शन देश के दुश्मनों से यानी कि ISI और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। रायबरेली के सलोन स्थित पालीपुर में हजारों की संख्या में निवास प्रमाण पत्र बन जाने वाली यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह मामला देश को अस्थिर करने की एक सुनियोजित साजिश लगती है। मगर कुमकर्णी नींद में सोता रायबरेली प्रशासन उस समय जगा जब केरल की सुरक्षा एजेंसी के साथ देश की कई सुरक्षा एजेंसियों ने इस गांव में चहलकदमी शुरू की। अब एक नए खुलासे के तहत पता चला है कि इस घटना के तार प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े हुए हैं। खबर है कि इस खुलासे की धुंधली शुरुआत तब से हुई जब असम की जेल में बंद एक कथित PFI सदस्य की ID में सलोन के पालीपुर गांव के नाम का जिक्र मिला और केरल की सुरक्षा एजेंसियों ने पालीपुर गांव में अपने कदम रखे। वहीं सलोन विधायक अशोक कुमार को घटना का अंदाजा तब लगा जब केरल की सुरक्षा एजेंसियों ने गांव में पहुंचकर लोगों से पूछताछ शुरू की। विधायक ने शक के आधार पर पहले रियाज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कराने का प्रयास तो किया, मगर BDO और SDM साहब ने उस समय इस गंभीर घटना को संवेदनशीलता को नहीं समझा। रियाज जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी विजय यादव के ID पर लगातार निवास प्रमाण पत्र बना रहा था, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। बाद में विधायक स्वयं कोतवाली पहुंचे और मौके पर BDO से विजय यादव और रियाज के खिलाफ तहरीर मंगाई और FIR दर्ज कराया। उन्होंने DM SP के अलावा ATS NIA जैसी सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया और पूरा प्रकरण अवगत कराया। SHO द्वारा असहयोग करने पर फटकार भी लगाई। उन्होंने बताया कि इस घटना के प्रति स्थानीय प्रशासन का रवैया पता नहीं क्यों बहुत लचीला था। हालांकि जब प्रशासन स्तर पर सूचना पहुंचाई गई तब जिला प्रशासन मुस्तैदी से सक्रिय हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये चूक कहां से हुई। जानकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव उसी क्षेत्र में जीसान के घर पर किराए पर रहता था। विजय के मोबाइल पर ही OTP आती थी, ना समझी बोलिए या फिर लालच, विजय ने जीसान को OTP बताना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जीसान प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए उसे रिश्वत देता था, जिसे पाकर वह खुश हो जाता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियां भी चल रही होंगी। हजारों की संख्या में अवैध प्रमाण पत्र जारी होकर गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ATS और NIA ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, सभी रिकॉर्ड जांच के लिए मंगाए जा रहे हैं। इस बीच विजय यादव और अपराधी जीसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।